है हमारा फैन का एरर आ जाता है, कूलिंग फैन किसका काम नहीं करता है, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा इसलो का प्रॉब्लम है, इसलो की प्रॉब्लम SSD लगी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है X360 13। प्रॉब्लम की यदि हम बात करें, इसमें प्रॉब्लम है फैन का एरर आ रहा है और ये स्लो चल रहा है। उससे पहले हम इसका आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये लैपटॉप क्या, इसमें हम फंक्शन होते हैं और ये इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, ये कैसी मशीन है, तो उसके बारे में हम इसके यदि बात करें तो ये टच स्क्रीन लैपटॉप होता है। ये तो आपको ही पता है X360 हो जाता है, अभी खुला हुआ है इसलिए हम करके नहीं दिखाएंगे आपको, नहीं तो ये पूरा फोल्डेबल X360 हो जाता है इस टाइप में। और बात करें हम इसकी परफॉर्मेंस की और कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये मशीन आपकी i5 में भी आती है, i7 में भी आती है। हमारे पास जो मशीन है वो ये आप देखोगे i5 8 जनरेशन में है, i3 8 जनरेशन में है, सॉरी ये i5 में भी आती है और i7 में भी आती है। i3 8 जनरेशन है, 8GB रैम है और इसमें 512GB SSD के साथ आया हुआ है। SSD की यदि हम बात करें तो इसमें आपका हमारी M.2 भी लग जाती है, साटा चाहे तो हम साटा भी इसमें SSD लगा सकते हैं, पर ये साटा के साथ नहीं आया है, इसमें M.2 ही आई है। और यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें जो SSD के साथ है तो इसका परफॉर्मेंस, चलने की स्पीड वगैरह बड़ी अच्छी है, 8GB रैम है, नॉर्मल काम के लिए बढ़िया मशीन होती है। होम यूज के लिए यदि आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, यदि X360 में आप जा रहे हो जो कन्वर्जेशन लैपटॉप होता है, तो HP का X360 14 लैपटॉप 13 या 14 जो भी आपको चाहे आप खरीद सकते हो। टच स्क्रीन में क्या होता है, हमारा थोड़ा काम इजी हो जाता है, जैसे कि आप कोई कुछ भी देख रहे हो, कुछ वो कर रहे हो तो इसमें इजी हो जाता है, हम टाइप वगैरह से नहीं कर सकते, तो यूज इजी हो जाता है, इसलिए टच स्क्रीन लेने का फायदा है। अदरवाइज टच स्क्रीन लैपटॉप लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, थोड़ा कॉस्टली भी आता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस किस टाइप की ज्यादा होती है कि हमारा कोई हाथ लग जाए, कुछ ये टूट जाए तो स्क्रीन टूट जाती है, तो बड़ी कॉस्टली इसकी स्क्रीन होती है। अदरवाइज आपको यूज है टच स्क्रीन का कि भाई आप कीबोर्ड वगैरह पे काम करना नहीं चाहते या कुछ इस टाइप का यूज है तो आप ये टच स्क्रीन लैपटॉप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और हम आपको ऐसा नया नया कंटेंट आपके लिए कि आपका क्या फायदे की चीज है क्या नुकसान की चीज है आपको आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी कि प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये इसमें एरर आ जाता है, हमारा फैन का एरर आ जाता है, कूलिंग फैन किसका काम नहीं करता है, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा इसलो का प्रॉब्लम है, इसलो की प्रॉब्लम SSD लगी हुई है, तभी भी प्रॉब्लम आ रही है जब SSD है, फिर भी क्यों हमारा इसलो चल रहा है, तो उसमें दो तीन चीजें होती है, जैसे हमारा बैड सेक्टर आ जाए, हमारा कूलिंग सिस्टम सही ना हो, इन सब चीजों की वजह से भी हमारी मशीन इसलो चलती है। यदि आपके लैपटॉप में SSD नहीं है और मशीन स्लो परफॉर्मेंस कर रही है तो फिर आप अपने लैपटॉप में SSD लगवाएं। हार्ड डिस्क जो आती है आजकल के लैपटॉप में, जो है हार्ड डिस्क आ रही है वो 5400 RPM में आ रही है, जिनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कम होती है। और विंडो 10 में क्या होता है, हिडन फाइल बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारी मशीन स्लो चलती है, स्लो परफॉर्मेंस करती है। तो आप यदि आपके लैपटॉप में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि स्लो चल रही है या कोई और प्रॉब्लम इस टाइप का आप फेस कर रहे हो कि भाई हमारी विंडो में प्रॉब्लम है, तो ये विंडो की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको SSD चेंज करानी होगी। SSD आप कौन सी चेंज कराए उसके लिए हम आपसे बात करते हैं। तो आप WD की ब्लू SSD, आपका M.2 है तो M.2, साटा का ऑप्शन है तो साटा में भी आप उस WD की ही SSD में जाएं। और डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आजकल रेट आ रहे हैं अमेजन वगैरह पे, तो आप उससे खरीद सकते हैं। तो हम आपको उसमें दिखाते हैं कि जैसा हमारा फैन नहीं चल रहा है तो हमारी मशीन बंद हो जाती है। आप देखोगे अभी हमने इसको ऑन किया था और आपके सामने वीडियो में ये चलते चलते मशीन बंद हो गई है, स्लो परफॉर्मेंस करेगी, तो स्लो परफॉर्मेंस करेगी तो हमें अपने लैपटॉप में SSD लगानी होगी। तो हम इस लैपटॉप में SSD लगाते हैं और इसके फैन की सर्विस करते हैं, फिर हम आपको आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब परफॉर्मेंस के लिए सर्विस के बाद हम इसमें SSD लगाते हैं। ये SSD है इसका, SSD हमने आपको बताया है WD बेस्ट SSD होती है। यदि आपको चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से SSD खरीद सकते हैं।
SSD की जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो SATA की हमारी स्पीड जो आती है नॉर्मल, अमूमन हमने देखा है कि ये 500 Mbps की स्पीड के हिसाब से होता है। M.2 में यदि हम जाते हैं, M.2 की स्क्रीन आपको M.2 की स्पीड जो आती है लिख के तो वो देखते हैं कि 5 Mbps के आसपास, 5 GB के आसपास होती है, पर जो हमने ऑब्जर्व किया है वो 1 GB तक आता है। और जो हमारी NVMe जो टॉप क्लास की SSD होती है उसमें आपकी 8 से 10 GB/Mbps की स्पीड आ जाती है। तो स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप लैपटॉप की स्लोनेस से परेशान है तो आप SSD लगवा के अपना लैपटॉप फास्ट कर सकते हैं। ये हमने SSD लगाने के बाद मशीन पैक कर दी है। अब इसमें हम OS वगैरह करेंगे। ये आप देखोगे हम इसका पैक कर दिया है, तो हम इसका 360 आपको दिखा देते हैं। ये ऐसे तक 360 हो जाता है पूरा। आप इसको टैब की तरह भी यूज कर सकते हैं इस लैपटॉप को, तो इसीलिए ये थोड़ा यूज में अच्छा होता है। यदि आपको यूज वाइज हम बात करें कि यूजर फ्रेंडली हो जाता है ये यूज में, बस वही है इसकी थोड़ी मेंटेनेंस और केयर ज्यादा हो जाती है इस लैपटॉप की। थोड़ा भी हाथ लगा तो ये ग्लास वगैरह चटक जाता है, स्क्रीन खराब हो जाती है, और इसका कॉस्ट भी थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होता है। इसलिए ये हम इनको बोलते हैं कि आपको यदि नहीं यूज है तो आप वैसे मत खरीदे, अवॉइड करें इसे खरीदने से। अदरवाइज आपका टच का यूज है तो आप इसको टच कर सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल यदि हम इस बारे में बात करें तो ये आपको यदि जरूरत है तो आप टच स्क्रीन लैपटॉप खरीदें, अदरवाइज आपको नहीं जरूरत है टच स्क्रीन टच लैपटॉप यूज करने की तो आप मत खरीदें, क्योंकि आपका लैपटॉप भी महंगा आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होगी, रीसेल वैल्यू भी कम होगी। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि आपको लैपटॉप ये लेना चाहिए X360 या नहीं लेना चाहिए। हमने इसके बारे में आपको बताया। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।